जैविक खेती कर बनाई अलग पहचान, अब दूसरों को भी कर रहे हैं प्रेरित। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ग्राम हिम्मतपुर निवासी जैविक प्रशिक्षण अनिल पांडे 42 वर्षीय 10 बीघा भूमि में जैविक खेती करते हैं, जिसमें धान, गेहूं, परंपरागत मंडवा, लौकी, कद्दू, तुरई एवं कई प्रकार की मेडिटेशनल पौधे उगाए जाते हैं। लगभग 10 वर्ष पूर्व एक छोटे से क्रम में उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। वह जिले के इस जैविक संकल्प के रूप में लेकर प्रचार प्रसार में डट गए और किसानों को जैविक कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र, कीटनाशक, विभिन्न बैक्टीरिया जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बिवेरिया, बेसियाना, नीम ऑयल के बारे में विस्तार से किसानों को सिखाने लगे और ज्ञान को बढ़ाने हेतु विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रशिक्षण डिप्लोमा भी लेते रहे। अनिल के पास 2 गाय भी हैं जिनके गोबर और गोमूत्र से कीटनाशक जैविक खाद बनाते हैं। अनिल बताते हैं कि मैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें जीवामृत, घनामृत जैसे जैविक उर्वरक गाय के गोबर और गोमूत्र से बनती हैं। इसमें अलग से कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इसके लिए मैंने 10 बीघा जमीन का जैविक प्रमाणीकरण भी कराया है। अनिल बताते हैं कि आजकल सभी जैविक तरीके से उगाए हुए अनाज और सब्जियां खाना चाहते हैं। लोग जान रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों का खेतों में प्रयोग करने से तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। वर्तमान में अनिल द्वारा लगभग 7,000 किसानों को जैविक खेती व अन्य कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनिल ने घर पर ही जैविक पाठशाला का निर्माण भी करवाया है, जहां पर जैविक की विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, मिट्टी की जांच व खादों को बनाने की बेहद वृहद ट्रेनिंग क्षेत्र व जिले के किसानों को दी जा रही है। अनिल के अनुसार जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर ही है, अधिक उत्पादन देती है। अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्ण सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को भी अधिक आय प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त को चरितार्थ करते हुए अनिल द्वारा उनके जैविक फार्म में जैविक सब्जियों पर कार्य किया जा रहा है। जैविक खाद से लौकी के एक पौधे से लगभग 1,000 लौकी से अधिक उत्पादन करके द्वारा किया जा रहा है। लगभग 16 वर्ष हो गए हैं जब मैं जैविक खेती के कार्य कर रहा हूँ, जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो इसमें निश्चित ही लागत बहुत घट जाती है, क्योंकि हमारे जो भारतीय किसान हैं, जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं, उनके पास छोटी छोटी जोतें होती है, पहाड़ों पर बहुत छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन उनके पास गौवंश या गोबर, गौत और दूध का काम वो करते हैं। अगर उनसे ही हम खाद बना के अपने खेतों में प्रयोग करेंगे, एक तो हमें बाहर से इनपुट्स लाने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारी लागत घटेगी। उसके साथ साथ अगर हम जो पहाड़ का प्रोडक्ट है, जो हमारे भाबरी क्षेत्र का, जो हम जो जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें अगर हम उसकी मार्केटिंग और उसकी अगर प्रमाणीकरण के तहत उन खेतों को ले आते हैं, जो उनके द्वारा उत्पादित जो फसलें आती है, अगर उसको हम मार्केट करते हैं, एक तो हमें अच्छा मार्केट मिलेगा और एक तो हमारी लागत घटेगी और निश्चित ही जैसे हमारे परिवेश, हमारे देश के परिवेश में जैविक खेती बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी ज़मीनों वाले ज़्यादा व्यक्ति हैं उससे, और जब उनके उनके उत्पादों का मूल्य अधिक मिलेगा तो उन्हें निश्चित ही लाभ होगा और वो और बढ़िया करके जैविक खेती की तरफ मुड़ पाएंगे। क्या क्या फसलें अभी तक कर चुके? अभी तक मैं धान, गेहूँ, मक्का और सब्जियों पर, लौकी, कद्दू, तुरई, टमाटर पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी लागत घट जा रही है और उत्पादन लगभग बराबर मिल रहा है। अब धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने को आ गया, जैसे लौकी है, अमूमन लौकियों में 10-20 लौकियाँ लगती है, मैंने अभी तक 50-60 लौकियाँ का उत्पादन प्राप्त कर लिया है। मेरा टारगेट कि 2 पौधों से हमें 150 लौकी का मेरा टारगेट रखा, जो कि जैविक खेती के माध्यम से ही संभव, रसायन से कभी भी संभव नहीं है।